हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं दी एक्सेलेंस क्लासेस। आज हम लाए हैं आपके लिए भारतीय इतिहास सीरीज का पहला वीडियो, जो कि आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी व अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय इतिहास को आसानी से समझने के लिए, आसान भाषा में जानने के लिए और आसान भाषा में किसी और को बताने के लिए इसको तीन भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तीनों भागों में आप इतिहास ही जानेंगे, लेकिन तीनों भागों को जानने के तरीके, उनको समझने के तरीके, उनको पढ़ने के तरीकों में आप बदलाव को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में अगर जानकारी हमें लेनी है तो हमें उनके वहाँ पर मिले सिक्कों से जानकारी मिलेगी, उनके यहाँ क्या सामान यूज करते थे उनसे हमें जानकारी मिलेगी। फिर मध्यकाल में आएंगे तो मध्यकाल के भी सिक्कों से ही जानकारी मिलती है। उसके अलावा यहाँ के कला संस्कृति से भी कुछ जानकारियाँ हमें मिलती हैं। आधुनिक भारत में हम आते हैं तो यहाँ पर आपको पश्चिमी सभ्यता से थोड़ा हूबहू होना पड़ता है, थोड़ी जानकारी मिलने लगती है, आप पश्चिमी सभ्यता से थोड़ा परिचित होने लगते हैं। और पश्चिमी सभ्यता के ही लोग आते हैं एक व्यापारी के रूप में, जो कि फिर बाद में उपनिवेश स्थापित करते हैं, फिर शासन करने लगते हैं और अंततः 1947 में देश को आज़ादी मिलती है। उसके बाद वो लोग फिर से वापसी कर लेते हैं। ये हम पढ़ते हैं आज भारतीय प्राचीन इतिहास का पहला वीडियो। तो जानते हैं कि प्राचीन इतिहास में क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल, जैसे कि आप जानते हैं, प्राग प्लस ऐतिहासिक, इस ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इन दोनों शब्दों का मतलब है, प्राग मतलब प्राचीन और ऐतिहासिक मतलब इतिहास। तो प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर लिया जाए तो पाषाणकालीन सभ्यता से जान सकते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन उनको अब पढ़ना या इनको समझना मुश्किल है। अगर पढ़ना और समझना मुश्किल है तो उनसे निष्कर्ष भी निकालना मुश्किल ही होता है, इसलिए इनको हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में देख सकते हैं। फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसके लिखित विवरण भी हैं, लिखित विवरण है, उसके साथ साथ हम उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं, और अगर अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो हम उससे अच्छा निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है हमारे 600 BC के बाद से। 600 BC से स्टार्ट होता है। तो BC क्या है? BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। क्यों? क्योंकि 600 BC का मतलब है कि ईसा के जन्म से पहले की कहानी, ठीक है। तो वहाँ से हमारे ऐतिहासिक काल के जिसके लिखित विवरण भी मिलते हैं, उससे हम निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अब आते हैं संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को उपकरणों की भिन्नता के आधार पर तीन मुख्य चरणों में बांटा जाता है। संपूर्ण पाषाण युगीन जो संस्कृति है, पाषाण युगीन क्यों है? पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थरों का यूज हुआ होगा, पत्थरों से की से शुरुआत हुई रही होगी, इसलिए इसको हम पाषाण युगीन संस्कृति भी बोलते हैं। और इस समय जो भी उपकरण हमें मिले हैं, उन उपकरणों में भिन्नता रही है। कोई बहुत भद्देदार रहे हैं, कोई कंकर टाइप के रहे हैं, कोई बहुत नुकीले रहे हैं, कोई बहुत चौड़े रहे हैं, कोई बहुत पतले रहे हैं। तो इनकी भिन्नता के आधार पर हम इनको तीन चरणों में बांट सकते हैं। कैसे कैसे? एक है पूर्व पुरापाषाण काल। पूर्व पुरापाषाण काल, इसमें क्या है, कोड टाइप के कुछ औजार मिले हैं, जिसमें हस्त कुठार, खंदक, विदारणी भी हम इसको इससे जोड़ सकते हैं। हस्त कुठार, खंदक, विदारणी को, हस्त कुठार एक हाथ की कुल्हाड़ी को हम बोलते हैं। मध्य पुरापाषाण काल क्या है, इसमें फलक उपकरण बहुत सारे मिले। फलक उपकरण के बारे में क्या कहें कि फलक उपकरण इस काल में बहुत ज़्यादा मिले, इसलिए हम मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी बोलते हैं। तीसरा है
उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल में हमको तक्षणी और खुरचनी जैसे उपकरण हासिल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगली लाइन है, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जगह का नाम है जिसको हम चापर चापिंग पेबुल संस्कृति कहते हैं। यह सोहन घाटी क्षेत्र में विस्तृत है। इसके अलावा हैंडएक्स संस्कृति, हैंडएक्स संस्कृति जो है बदमदुरई में है। बदमदुरई कहाँ है? ये मद्रास में है, आज के वर्तमान के मद्रास में है। वहाँ पे एक जगह का नाम है अतिरपक्कम। अतिरपक्कम में भी एक जगह है बदमदुरई, वहाँ से हमको हैंड एक्स संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पल्लवरम, पल्लवरम कहाँ है? ये पल्लवरम जो है आपका मद्रास के पास में स्थित है। यहाँ से पहला हैंड एक्स का साक्ष्य मिला है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में की थी। इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट के द्वारा 1863 में की गई थी। और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। ठीक है, एक दूसरी जगह है अतिरपक्कम, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था इसके बारे में। तो अतिरपक्कम मद्रास के पास में है और यहाँ से पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिले हुए हैं। इसकी खोज किंग ने की थी। किंग भी कोई पुरातत्वविद रहे होंगे, उन्होंने इसकी खोज की थी। सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी भी हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। इसकी खोज हुई थी 1935 में, 1935 में डी टेरा के द्वारा की गई थी। अगला है बेलन घाटी। बेलन घाटी इलाहाबाद, वर्तमान नाम उसका प्रयागराज है। तो इलाहाबाद में एक बेलन घाटी जगह है जो पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ पे 44 पुरा स्थल मिले हुए हैं। इसकी खोज जी आर शर्मा के निर्देशन में किया गया था। और यहाँ का एक लोहंदा नाला क्षेत्र है जहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लोहंदा नाला क्षेत्र कहाँ स्थित है, यहाँ पे यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बेलन घाटी बताना होगा। और उसमें ये भी बताना है कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा यहाँ से मिली हुई है। और ये यहाँ से जो निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है वो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। ठीक है, अब आते हैं फलकों की अधिकता के कारण। जैसा हमने पहले भी बताया था, मध्यपुरा पाषाण काल में फलक के उपकरण मिले हुए हैं। ये इस समय फलक के उपकरण बहुत ज़्यादा मिले हैं, इसलिए इनको हम फलक संस्कृति भी बोलते हैं, जो क्वार्ट्जाइट पत्थरों से बने हुए थे। क्वार्ट्जाइट पत्थरों से बने हुए फलकों की अधिकता के कारण इस मध्यपुरा पाषाण काल को हम फलक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। आते हैं हम अगली लाइन है कि पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। अगर आप किसी को बताते हैं कि पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था, तो इसको आप कैसे पुष्ट करेंगे, इसकी पुष्टि कैसे करेंगे, आप किसी को समझाएंगे कैसे कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक ही थे? तो उसके लिए आपको बताना होगा कि वो शिकार पर उनकी निर्भरता थी, मांस कंदमूल फल खाते थे, अग्नि से उनको कोई परिचय नहीं था, शिकारी खाद्य संग्राहक का जीवन जीते थे, पशुपालन और कृषि का ज्ञान उनको बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरीके से अगर आप इसको बताते हैं तो आपको आप इस चीज़ की पुष्टि जरूर कर पाएंगे कि पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन जो था पूरी तरह से प्राकृतिक था। ठीक है, अगले भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें सी एल कार्लाइल के द्वारा मिलती है, जो कि विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण की खोज की थी उन्होंने 1867 में। तो 1867 में लघु पाषाण उपकरण की खोज हुई थी विंध्य क्षेत्र में, जिसकी खोज सी एल कार्लाइल ने की थी। और इसी से हमें भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी हासिल भी होती है। ठीक है, भारत में मानव अस्थिपंजर सबसे पहले मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगे हैं। अब इसके लिए गुजरात का एक लंगनाज प्रमुख पुरा स्थल क्षेत्र है, गुजरात का एक लंगनाज क्षेत्र है जो कि मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो कि भारत में कह सकते हैं कि भारत में मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से
संबंधित हैं। तो गुजरात का लंगनाथ क्षेत्र, यहाँ से क्या क्या मिले हैं? पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, यहाँ से कब्रिस्तान मिला हुआ है, मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये एक महदहा जगह है, महदहा PCS का क्वेश्चन भी है, ये PCS में आ चुका है ये क्वेश्चन। महदहा प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ कौन सी नदी के किनारे है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो महदहा प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यहाँ से हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण मिले हुए हैं। ठीक है, और प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है। ठीक है, दमदमा, दमदमा 41 मानव समाधान यहाँ से मिले हुए, दमदमा से 41 मानव समाधान मिले हुए हैं, जिसमें से हम 5 युग्म समाधान मिले हुए हैं, जिसमें मतलब 5 युग्म समाधान का मतलब 5 जगह ऐसी मिली है जहाँ पे दो दो लोगों को दफनाया गया है, और एक समाधान ऐसा मिला हुआ है कि जिसमें 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं, मतलब 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है। तो इस चीज़ को अभी ध्यान में रखना है आपको। फिर आते हैं सराय नाहर राय। सराय नाहर राय क्या है? सराय नाहर राय में एक समाधान मिला हुआ है जहाँ पे 4 मानव कंकाल मिले हुए हैं एक साथ। अगला क्षेत्र है लखैया। लखैया भी विंध्य क्षेत्र में स्थित है, विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार, ये मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में मिला के फैली हुई एक पहाड़ी है, और हिमालय से पहले की इसकी उत्पत्ति है मानी जाती है। तो यह एक मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण है, मध्य पाषाणिक क्षेत्र है लखैया, यहाँ से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। यहाँ से 17 मानव कंकाल मिले हुए हैं। ठीक है, अगला है आदमगढ़। आदमगढ़ क्या है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश का जिला है, होशंगाबाद वहाँ पे है ये, वहाँ पे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ एक जगह का नाम है, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य की बात हो रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य पाषाण काल से ही इसकी प्रारंभ इसकी शुरुआत मानी जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि शिकार करना, मछली पकड़ना और इसमें खाद्य संग्रह करना शामिल थे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनका जीवन स्तर जो था वो ठीक ठाक था। अगले आते हैं तो प्रागैतिहासिक चित्रकला। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण अगर देखा जाए तो भीमबेटका से प्राप्त होता है। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका एक जगह का नाम है। वो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ से 500 शिलाश्रय मिले हुए हैं और इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ होता है, ये भी आपको पता ही है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य वाला जिला की बात अगर करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब क्या हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र हैं। तो आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब भूगोल आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और इनमें भारत का कितना क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात हो रही तो आप इसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इन सबको आप जोड़ सकते हैं। तो इसमें अगर प्राचीनतम कृषि साक्ष्य की बात की जाए तो हमें संत कबीर नगर में एक जगह का नाम है लहुरादेव। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है और उस जिले में एक जगह का नाम है लहुरादेव, वहाँ से हमको प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये 9000 BC से 8000 BC के बीच की कहानी है। ठीक है, अब आप, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से पढ़े भी होंगे। तो गाइज, आप इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर करके आप अपने दोस्तों को भी सुनाइए, आप अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो इस लॉकडाउन में, वो भी अपना घर पर रह के अच्छे से पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।